Seagull International Human Resource Consultants. Bridging the gap between dream and reality. आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीगल इंटरनेशनल की जॉब्स के बारे में, जहां पर बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है, आपसे एक रुपया भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। सीगल इंटरनेशनल आपको मौका देता है फ्री में गल्फ एंड यूरोप जाने के लिए। जितनी भी जॉब्स आपको दिखाई जाएंगी, उन जॉब्स के लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है दलबीर सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे ओमान की जॉब्स के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल रहता है फ्लाइट्स को लेके, वीजे को लेके। तो जहां पर कहना चाहता हूं कि ओमान के लिए फ्लाइट भी ऑन है और वीजे भी लग रहे हैं। आपको एक बार दी गई इंटरव्यू टाइम पर आपको क्लाइंट इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है सीगल इंटरनेशनल के ऑफिस में। सीगल इंटरनेशनल की और ज्यादा जॉब्स की पोस्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तीनों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहली पोस्ट की बात करें तो ओमान के लिए जॉब्स रहेगी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रहेगा, लार्ज रिक्वायरमेंट है यानी कि शॉर्टलिस्ट प्रोग्राम रहेगा। फिर भी आपको ऑफिस में विजिट जरूर करना पड़ेगा। मुंबई ऑफिस में आप चले जाइए, चेन्नई ऑफिस में चले जाइए, नहीं तो कोचिन ऑफिस में जाके आप अपने सिलेक्शन करवा सकते हो। जॉब्स की बात करें तो जहां पर पहली जो जॉब है वो है मैसन की। रिलेटेड फील्ड में आपको जीसीसी कंट्री का एक्सपीरियंस ऐसा तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दो नंबर पर जो जॉब है वो है स्टील फिक्स्चर की। रिलेटेड फील्ड में आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है जिस कंट्री का, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीन नंबर पर जो जॉब है वो है बार बेंडर्स की। रिलेटेड फील्ड में आपको भी जीसीसी कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। चार नंबर पर जो जॉब है वो है कारपेंटर्स की। रिलेटेड फील्ड में आपको भी जीसीसी कंट्री का एक्सपीरियंस हो, तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पांच नंबर पर जो जॉब है वो है स्किल्ड वर्कर यानी के हेल्पर। रिलेटेड फील्ड में आपको जीसीसी कंट्री का एक्सपीरियंस है, ऑयल एंड गैस फील्ड में आपने काम किया, तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिक्स नंबर पर जो जॉब है वो है पाइप फैब्रिकेटर। रिलेटेड फील्ड में आपको ऑयल एंड गैस फील्ड में जीसीसी कंट्री का एक्सपीरियंस हो, तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेवन नंबर पर जो जॉब है वो है पाइप फिटर्स। रिलेटेड फील्ड में आपको सेम एक्सपीरियंस है, तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एट नंबर पर जो जॉब है वो है वेल्डर्स की। नाइन नंबर पर जो जॉब है वो है रिगर्स की। टेन नंबर पर जो जॉब है वो है जीआरई फिटर्स की। एंड 11 नंबर पर जो जॉब है वो है स्कैफोल्डर्स की। और 12 नंबर पर जो जॉब है वो है मिलवराइट फिटर्स। इन सभी जॉब्स के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऑयल एंड गैस फील्ड में होना चाहिए, यानी कि जीसीसी कंट्री में आप मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी कंट्री में भी काम कर चुके हो, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फैसिलिटी की बात करें तो खाना कंपनी का रहेगा, रहायश का जो खर्चा भी कंपनी का रहेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कंपनी का रहेगा। अप्लाई के लिए आपको सीगल ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा 22 फरवरी से पहले पहले। आप अपने जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आप मुंबई ऑफिस में विजिट कर सकते हो, नहीं तो चेन्नई ऑफिस में विजिट कर सकते हो, नहीं तो कोचिन ऑफिस में विजिट कर सकते हो। इस पोस्ट को मैं अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करूंगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक इसी का ही मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे आप इस पोस्ट तक पहुँच जाओगे। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, कहाँ पर ऑफिस है, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर हैं। कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कोई भी इंक्वायरी है वो भी आप कर सकते हो। नहीं तो सीगल इंटरनेशनल की जो मेल आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है उस मेल आईडी पर आप अपना सीवी सेंड कर सकते हो। आपको कोई रिस्पांस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप ऑफिस में विजिट करेगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुली रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उनके साथ जिनको जॉब की तलाश है। वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को करते हैं गुड बाय। सीगल इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट्स, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी।